आप सबको पता है कि आजकल देश की स्थिति कैसे हो रही है, कितनी जाने जा रही है। जो बंदा दो दिन पहले ठीक ठाक था, अपने नॉर्मल काम कर रहा था, और हमें पता चलता है अचानक से वो ही नहीं रहा। इतने डॉक्टर्स हैं जो नॉर्मल थे और कम एज के थे, बहुत कम एज के, और वो एकदम से चले जा रहे हैं। यानी कि डॉक्टर्स भी अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो देश की जनता क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेके, क्योंकि मैं भी जब देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, या वो चीज़ें जो मेरे सामने आ रही है, तो मतलब कि लगता ही है, हर्ट, मतलब बहुत हर्ट होता है मुझे अंदर से। तो मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतना बताना चाहिए। जिनको मानना है ठीक है, जिनको नहीं मानना उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, कुछ तो लोग मानेंगे, कुछ अपने आप को, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। तो इसी कोशिश में मैंने सोचा है कि जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू जरूर करना चाहिए। सच ये है कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कोरोना से जाने जा रही है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। कोरोना कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा वायरस है। जैसे सर्दी जुकाम और फ्लू हो जाता था लोगों को, पहले भी होता आया है, जैसे 10-10 दिन लोगों को बुखार आते थे, 15-15 दिन, तो हम क्या कहते थे कि नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहा है, ठीक है भाई, ये 10-15 दिन में अभी तक ठीक नहीं हो जाएंगे, ठीक, मतलब हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे उसकी, और ज़्यादा दवाई गोली भी करने की जरूरत नहीं थी, मतलब नॉर्मल अपना चलता रहता था और वो इंसान ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल क्या स्थिति बन गई है कि जरा सा किसी को कुछ हुआ और हम टेंशन लेने लगते हैं, और जिस बंदे को हो रहा है उसको इतनी टेंशन दे देते कि भाई अब तुम्हारा क्या होगा। तो आपको ये सब पता है कि अगर हम टेंशन, चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, कोई भी बीमारी वो बढ़ती है, वो ठीक नहीं होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कोरोना में जाने क्यों जा रही है, इतना क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को सांस क्यों नहीं आती है, लोगों की सांसों में क्यों दिक्कत आ रही है, अगर ये नॉर्मल फ्लू है, तो वो सारी सच्चाई आपके सामने बताने वाली। प्लस इसके साथ में मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम आ रहा है, फीवर भी आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या सही इलाज है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, सबके साथ शेयर जरूर करना, अगर आप चाहते हैं, देश के हित में लोगों की भलाई चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये वायरस है, कोरोना है, हाँ, इसकी ये बात तो है कि ये वायरस ऐसा है, जल्दी से फैलता है, मतलब कि जल्दी से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही ये आपके अंदर गया किसी भी वजह से, हवा में तो चलो है ही, जो लोग इन्फेक्टेड है अगर वो किसी वजह से बाहर हैं तो हवा में फैल जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रुकता है, ये हवा से भारी होता है और ज़मीन में नीचे बैठ जाता है। अगर उस ज़मीन में आपने टच कर दिया, या आप वहाँ पे बैठ गए, या अपने हाथ से आपका हाथ लग गया, तो आपको हो सकता है, आपने हाथ अपने मुंह पे लगा लिया, कहीं भी लगा लिया, तो ये क्या करता है, ये म्यूकस की जो सेल होती है ना, उस पर चिपक जाता है। म्यूकस कहाँ होता है, हमारे नाक के अंदर, हमारे मुँह के अंदर म्यूकस है ही, जो लिक्विड होता है तरल सा, तो उसके अंदर चिपक जाता है और ये जल्दी से मल्टीप्लाई करने लगता है। तो पहले हमें खांसी होगी, जुकाम होगा, आपको ड्राई कफ होगा, यानी खांसी रहेगी आपको, और यहाँ पे इन्फेक्शन सा होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिनको नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहे हैं तो उनको ये वायरस नहीं हुआ, उनको ये वायरस हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इसको यहाँ पे ही खत्म कर देती है। आपको पता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाई होती है, किसी भी वायरस को अंदर नहीं जाने देती आसानी से, लेकिन गलती हम लोग करते हैं। हमारा एक तो खाना पीना अच्छा नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, कभी कोई एक्सरसाइज ही है, आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि आप एक्सरसाइज करते हो, डेली करते हो प्राणायाम, कोई नहीं करता। मैं अपने जो एरिया की बात करूं तो जैसे मेरे घर में मेरे पति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, मैं भी करती हूँ, हमारा एक घंटे का रूटीन है दोनों का। लेकिन हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, वो कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही कोई योगा करते हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं। हम लोग कितना भी कहें लेकिन दूसरों की बातें कोई नहीं सुनता, जब तक कि उनको कोई बीमारी ना आ जाए। अब जो लोग ज़्यादा दवाई खाने लगते हैं, जैसे इम्यूनिटी भी वीक है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या किसी किसी की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, खाने पीने का पता नहीं कब खा रहे, कब नहीं खा रहे, क्या खा रहे, कुछ नहीं पता होता, और उसके साथ ही प्लस दवाइयाँ भर भर के खाते हैं, यानी अपनी इम्यूनिटी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब आपका फीवर आया लेकिन आप दवाई पे दवाई लिए जा रहे हैं, यानी फीवर को ख़त्म कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी क्या और जोर से काम करती है। अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया ना कि वायरस को मारना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है,
तो इम्यूनिटी बढ़ाती जाती है, उसके साथ ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वायरस की, और जो वायरस की मल्टीप्लाई हो रही है और इम्यूनिटी को मारने का काम कर रही है, तो इसके साथ ही यहाँ पे कफ ज़्यादा बनने लगता है और आपके जो फेफड़े हैं उनमें पैचेज आने लगती है, यानी घाव होने लगते हैं। अब उस घाव को रिपेयर करने के लिए इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे फेफड़ों के अंदर क्या होने लगता है, म्यूकस बनने लगता है, ताकि वो म्यूकस में चिपका के उस वायरस को बाहर फेंक सके। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी म्यूकस बनाएगी और म्यूकस बनाने की वजह से यहाँ पे कफ फील होने लगता है। इसके साथ ही क्योंकि घाव तो बन ही गए हैं, तो निमोनिया की जो कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है। जैसे निमोनिया हो जाता है ना बच्चों को, तो वो कंडीशन जनरेट हो जाती है, कफ बनने लगता है, सांस नहीं आता है, और जो घाव बने हुए हैं उन पे एक म्यूकस की लेयर बनने लगती है, वहाँ पे पानी जमा होने लगता है और हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कि कभी आपको सीवियर घाव हुआ है कहीं भी स्किन पे, तो हमारी जो स्किन की इम्यूनिटी वो क्या करती है, घाव को ठीक करने के लिए हल्का सा वहाँ पे रेडनेस कर देती है और वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। आपने देखा होगा स्वेलिंग आ जाती है और एक लेयर सी बनने लगती है उसके ऊपर, कि इस घाव को बचाने के लिए, जो बाहर के इन्फेक्शन हैं उनसे बचाने के लिए वो लेयर क्रिएट करने लगती है। तो ऐसे ही अंदर में भी जो घाव हो रहे हैं ना, उनको ज़्यादा फैलने से बचाने के लिए जो बॉडी है म्यूकस की लेयर बनाने लगती है उनके ऊपर, ताकि म्यूकस में जो वायरस घाव करे उनको बाहर फेंक सके, तो इसलिए ज़्यादा म्यूकस बनता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, भाई अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, तो उस वजह से लोगों की जाने जा रही है। हमारी हड़बड़ी की वजह से, हमारी चिंता की वजह से, हमारे डर की वजह से, हमारे गलत रूटीन की वजह से, गलत खाना खाने की वजह से जाने जा रही है, नहीं तो जान जाने कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आप कहेंगे कि आप हमें ट्रीटमेंट बताइए, हमें करना क्या है, अगर जरा से भी सिम्टम्स आए, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जरा से भी सिम्टम्स आए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको दवाइयाँ नहीं खानी, दवाइयों के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको बचना है, सुरक्षित रहना है, तो दवाइयों के पीछे मत भागें। तो आप कहेंगे करें क्या, आपको करना ये है कि अगर आपको सिंपल सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, हल्की फुल्की खांसी है, तो आपको ये करना है 50% कच्चा भोजन खाना, जैसे फल और सब्जियां है, और सुबह के वक्त खानी है। फल और सब्जियां जितनी मर्जी आप खा सकते हैं, सुबह के वक्त खाइए, अच्छे से धो के खाइए, और एक टाइम आपको भोजन खाना है, तो दोपहर को खा सकते हैं या रात को खा सकते हैं, पका हुआ खाना एक टाइम करिए। अगर नॉर्मल आपको सर्दी जुकाम है, खांसी है, फीवर नहीं है, अगर फीवर भी आ रहा है साथ में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो खाना तुरंत बंद कर दे। जिस पेशेंट को जरा सी भी तकलीफ हो रही है उसका खाना तुरंत बंद कर दे। लेना क्या है, उसको दे सब्जियों के जूस, जैसे पालक का जूस है, चुकंदर का जूस है, और कोकोनट वाटर है, ये दे, और उसके साथ में ही गाजर का जूस है, खीरे का जूस है, ये उसको दे, और खट्टे फल का जूस दे। खट्टा फल इसका मतलब ये नहीं कि नींबू का जूस दे, नींबू का नहीं, जैसे पाइनएप्पल होता है, मौसमी होती है, जो हल्के हल्के मीठे मिठास में रहते हैं, मतलब कि हल्का सा कहीं ना कहीं उनमें मिठास होता ही है, इतने खट्टे नहीं होते, तो खट्टे फल का जितना पेशेंट ले से उसको खाना बिल्कुल बंद करना है। दूध, दही, चाय, कॉफ़ी सब कुछ बंद कर दीजिए, जो एनिमल फूड किसी भी तरीके की, सब कुछ आपको बंद करना है। उसको सिर्फ और सिर्फ जूस दे, सब्जियों के जूस दे। इसके साथ ही और क्या करना है, अगर फीवर भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये इमीडिएट आपको करना है, खाना बंद करना है, सब्जियों के जूस देने हैं। इसके साथ में क्या करना है, उसको गर्म पानी की भाप देनी है, जैसे हर एक घंटे में उसको गर्म पानी की भाप दे। इसके साथ ही जब भी वो पानी मांगे उसको पानी दे, और गर्म पानी ही पिलाएं, ठंडा पानी ना दे, उसको गर्म पानी दे, ताकि उसका जो म्यूकस है वो गर्म पानी के साथ बाहर निकले। इसके साथ ही उसको आप जो शहद होता है तो उसमें ऐसे उंगली डाल के वो अपने उंगली से चाटे, जो पेशेंट अपनी उंगली से चाटे, होगा क्या, जो शहद उंगली से चाटेगा तो उसकी जो लार है वो लार में घुल के शहद अंदर जाएगा। अगर उसके लंग्स के अंदर जो जख्म हो चुके, घाव बन चुके हैं, तो उसके लार से ही वो हील हो जाएंगे। आपको पता है हमारी जो लार होती है तो वो हमारे घाव को हील कर देती है, तो हमारी लार इतनी अच्छी है, तो उसको उंगली से चाटने के लिए शहद बोले, शहद बहुत अच्छी चीज होती है, हमारे घाव को भरती है। अब आपको एक काढ़ा बनाना है, जो भी पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, फीवर भी आ रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कितने दिन हो रहा हो, तो उसका खाना बंद रखे, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, उसको जूस आप देते रहे, और एक काढ़ा आपको बनाना है। काढ़ा में क्या डालना है,
आपको कम से कम 2 कप पानी आपको रखने हैं उसमें, और उसमें डालना है 2 से 3 लौंग, 1 चम्मच से थोड़ा अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और मेथी के दाने, आधा चम्मच मेथी के दाने, उसको अच्छे से पकाना है, 5 मिनट तक पकाना है। जब वो पानी आधा रह जाए यानी 1 कप रह जाए, उसको आपको आंच से उतार लेना है। उतारने के बाद जब वो गुनगुना रह जाए, पीने के लायक रह जाए, मतलब वो ठंडा ना हो, पीने के लायक हो जाए गुनगुना, उसमें 1 चम्मच शहद मिला ले। शहद मिलाने के बाद अच्छे से पेशेंट को दे दें, और ये ध्यान रखिए आप इसको 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। अगर खांसी ज्यादा है तो 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें सेंधा नमक डालें 1/2 चम्मच, और उसके उसको गरारे करवाएं, जैसे गरारे करते ना इधर पानी भर के और एकदम से थूक देते हैं, तो वो चीज को पेशेंट को करवाएं। अगर आप ये ट्रीटमेंट घर में करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका पेशेंट बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, म्यूकस भी निकल जाएगा, इसके साथ ही जो भी उसकी सांस लेने की दिक्कत हो रही वो भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आस पड़ोस में कोई ऐसी किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको बताएं, और अगर सांस लेने में और भी ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसको उल्टा लेटा दें। जैसे मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि किस तरीके से उल्टा लेटाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लेना आप। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको उल्टा लेटा के रखें, ये प्रॉब्लम भी उसकी ठीक हो जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप ये चीज़ 3 से 4 दिन तक कर लेते हैं तो कैसा भी वायरस है वो बॉडी के अंदर नहीं टिकेगा, क्योंकि आप इम्यूनिटी का साथ दे रहे हैं, इम्यूनिटी की हेल्प कर रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकती है। इस चीज़ को करिए और अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए, और लोगों तक ये जानकारी फैलाइए ताकि सब लोग जागरूक हो सके और अपने आप को ठीक कर सके। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये अपने दिमाग में रखिए, तब आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हो सके मैं आपकी हेल्प किसी भी तरीके से करूँ, वीडियो के जरिए करूँ या कमेंट्स के आंसर दे के करूँ, तो जरूर करूँगी। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।